हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेढ़ क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में बताया था दो दिन पहले वीडियो बनाकर कि 214 पदों पर जूनियर इंजीनियर की दोस्तों बहाली आई है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे कुछ कुछ कमेंट आए थे कि ये फर्जी है, इनका कोई भी वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, उसने सही कहा था कि लिंक कोई भी अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं लिंक ये आज ही एक्टिव हुआ है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए मेरा दिखा रहे हैं, देखिए जूनियर इंजीनियर का रिक्वायरमेंट आ चुका है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये पार हो रहा है, और इसका कल तक कोई अता पता नहीं था, इसलिए उस व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि ये फर्जी है, तो मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया था, क्योंकि मैं आज का वेट कर रहा था, क्योंकि उसमें 15 तारीख से ऑनलाइन लिखा हुआ था। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है वो ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक है वो वेबसाइट पर आ चुका है। चलिए देखते हैं खोल कर। उसमें फ्रेंड्स शॉर्ट नोटिस था, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक, दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुका है। पहले आपको दिखाते हैं व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही शॉर्ट नोटिस था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा नोटिस है क्या क्या है, चलिए आपको दिखा लेते हैं, और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा सब कुछ इसमें बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का जो है पहला पन्ना, जो कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये चीज़ मैं आपको सब कुछ बता दिया था, उम्र सीमा वगैरह, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, कब तक लास्ट डेट है, चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज से, यहाँ पर जो है ये बिल्कुल जो है अस्थायी रिक्त पदों के संविधान आधारित नियोजन यहाँ पर निकाला गया है, और जो रिक्ति है यहाँ पर फ्रेंड्स रिक्ति यहाँ पर दिखाया गया है बायफर्केट करके, पद का नाम जो है कनीय अभियंता यानी सिविल के लिए जो जूनियर इंजीनियर है, पद संख्या 214 है, और अनारक्षित जो है 118 है, जिसमें से 34 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 41 है, जिसमें कि 12 महिलाओं के लिए आरक्षित है, और पिछड़ा वर्ग जो है 47 है टोटल, और 8 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है, और पिछड़े वर्ग की जो महिला है उसके लिए 8 सीट यहाँ पर रखा गया है। टोटल जो है 214 सीट का यहाँ पर वैकेंसी निकला है, और यहाँ पर जो है यहाँ साफ साफ यहाँ पर दिखा रहा है कैसे कैसे यहाँ पर है, कुल संख्या कितना है अनारक्षित सब मिलाकर यहाँ पर किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर दिव्यांग के लिए भी 2 सीट रखा गया है, और यहाँ अस्थि दिव्यांग के लिए, मुखबाधिर के लिए 2, और मनोविकार के लिए 2, सब के लिए यहाँ पर ऑप्शन रखा गया है। और जो अर्हता है फ्रेंड्स वो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ बिहार के आवेदक हैं वही भर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत में कोई भी स्टेट के हों वो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए आपको, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में औषधिक अभियंत्रण में पद्धत डिप्लोमा, बशर्ते कि उक्त डीम्ड यूनिवर्सिटी को औषधिक अभियंत्रण में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुमोदित स्वीकृति प्राप्त हो। अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया है तो उस यूनिवर्सिटी को UGC से अप्रूव होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। और फ्रेंड्स उम्र सीमा आपको पता ही है, मैंने पहले बताया था कि जो रिजल्ट उसके लिए 37 है, बाकी जो SC ST उसके लिए छूट में मिलेगा। और जो फ्रेंड्स वेतन है वो है 27,000 रुपये, और ये जो है एक साल के लिए है, सब मैंने दोस्तों बताया था, यही सब है। और चलिए फ्रेंड्स अब दिखाते हैं आपको ऑनलाइन अप्लाई लिंक, उस पर क्लिक करके कैसे आपको ऑनलाइन करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ऑनलाइन अप्लाई पर। तो फ्रेंड्स आपको पूरा PDF और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक जो है मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके पूरा PDF भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आइएगा, आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो यहाँ पर डालिए यूजर ID और पासवर्ड, और यहाँ पर डालिए कोड और लॉगिन कीजिए। अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, चलिए आपको दिखाते हैं क्लिक करके। जब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आपको इस तरह का फॉर्म आएगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर सिविल इंजीनियर, एक ही पोस्ट है, नाम डालिए, फादर नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, यहाँ पर जो जो मांगा गया है सब कुछ डालकर ईमेल ID फ़ोन नंबर वगैरह डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर पर। फ्रेंड्स आप जो भी पासवर्ड यहाँ पर डालिएगा आपको वही पासवर्ड रह जाएगा, और जब आप रजिस्टर कीजिएगा तो आपको वहाँ पर ID मिल जाएगा, और वही आपको ID और पासवर्ड जो है ये फ्रेंड्स यहाँ पर डालना है ID और जो पासवर्ड दिया है वहाँ पर, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स जिस तरह से आप पंचायती राज विभाग का या ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी फॉर्म निकला हुआ है जिस तरह ऑनलाइन अप्लाई किए थे, सेम वही प्रोसेस है, आपको अपना डालना है बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपना फोटो सिग्नेचर वगैरह, और जो क्वालिफिकेशन है अपलोड करना है, और फाइनल सबमिट कर देना है। और फ्रेंड्स फिर भी अगर कोई दिक्कत हो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशल
ऑनलाइन अप्लाई के लिए वीडियो बना के लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे लाइक बटन को जरूर दबाइए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।